लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत। नवी मुंबई के सानपाड़ा प्रभाग 76 में आज युवा नेता पांडुरंग आमले की ओर से 500 परिवारों को मुफ्त राशन किट बांटी गई। बीजेपी विधायक मंदाताई मात्रे ने सैकड़ों जरूरतमंदों को यहाँ खाद्यान्न वितरित करते हुए पांडुरंग आमले के जनसेवी कार्यक्रमों की सराहना की। वहीं खुद युवा नेता पांडुरंग आमले ने कहा कि लंबे लॉकडाउन के कारण अधिकांश परिवार आर्थिक तंगी में हैं। ऐसे जरूरतमंद परिवारों को मदद करने के उद्देश्य से ही यह राशन किट बांटी जा रही है। यहां बीजेपी नेता राजेश राय और दत्ता गंगाले भी मौजूद थे। देखिए रिपोर्ट। लॉकडाउन की आर्थिक तंगी ने कई परिवारों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। ऐसे परिवारों को मदद का हाथ बढ़ाते हुए नवी मुंबई के सानपाड़ा प्रभाग 76 में युवा समाजसेवी पांडुरंग आमले की ओर से राशन किट का वितरण किया गया। बीजेपी विधायक मंदाताई मात्रे ने अपने हाथों से आज सैकड़ों परिवारों को खाद्यान्न बांटा। इस अवसर पर बीजेपी उत्तर भारतीय मोर्चा के जिला संयोजक राजेश राय और युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष दत्ता गंगाले समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। बीजेपी विधायक मंदा मात्रे ने कहा कि युवा नेता पांडुरंग आमले लॉकडाउन से लेकर अब तक जिस तरह मास्क, औषधियां और खाद्यान्न वितरण कर जनसेवा करते आ रहे हैं वह सराहनीय है। उन्होंने इन कार्यों को आगे भी जारी रखने का आह्वान किया। क्रमांक 76 मध्ये पांडुरंग आमले गेले अनेक दिवस इथे कोविड निर्माण झाल्यापासून आणि त्याच्या अगोदरपासून एक चांगलं काम करतात आहेत। आज पुन्हा त्यांनी चौथ्यांदा हे धान्य वाटपाचा कार्यक्रम घेतलेला आहे। पांडुरंग आमलेचं चांगला कार्यक्रम आहे आणि लोकांचा प्रतिसाद खूप आहे आणि लोकांना ही कळायची गरज आहे। मी तर म्हणते आज ते 500 किट देते अजून 500-600 वाढवा आणि लोकांना आज ही कळायची गरज आहे। अन्नधान्यासारखं कुठलंच आपला आपण म्हणतो शास्त्रामध्ये कुठलंच पुण्यकाम नाही, तर त्यांनी ते केलं आणि ते करत राहावं अशा मी त्यांना शुभेच्छा देते। वहीं युवा समाजसेवी पांडुरंग आमले ने कहा कि आज मंदाताई मात्रे के मार्गदर्शन में उन्होंने प्रभाग 76 के 500 परिवारों को फ्री राशन किट बांटने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मदद का यह सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। पांडुरंग आमले ने कहा कि लॉकडाउन की मुसीबत के बीच परेशान परिवारों के लिए राशन किट एक छोटी सी मदद है ताकि उन्हें राहत मिल सके। लोकांना आता कुठे त्यांचं लॉकडाऊन अनलॉक झाल्यामुळे सगळे चालू झाले, परंतु बऱ्याच लोकांच्या गरजू लोकांच्या घरात रेशनसुद्धा नव्हते। अशा वेळेला मंदाताई यांच्या मार्गदर्शनानुसार आम्ही प्रभागातील जनतेची संपूर्ण अभ्यास केल्यानंतर आम्हाला असं समजले की कुठेतरी आपल्याला अन्नधान्याचा एखादा उपक्रम केला पाहिजे आणि त्याच माध्यमातून आम्ही एक महिन्याचं रेशन लोकांना कसं भेटेल असा विचार करून आम्ही हे किट तयार केलेलं आहे आणि हे किट आम्ही जास्तीत जास्त गरजू लोकांना वाटण्याचा प्रयत्न करत आहोत। यानंतरसुद्धा 500 किट आम्ही आज वाटत आहोत आणि त्यानंतरसुद्धा जर कोणी अजून गरजू असतील त्यांनी आम्हाला संपर्क साधून त्या किटचा लाभ घ्यावा। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया।